बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं अभी सुबह का वक्त है, व्लॉग शुरू करने लगी हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा पत्ते गिरे हुए हैं अभी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए नींबू के पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे होते हैं सुबह के वक्त। अभी भी सर्दियों में भी देखें इस पर काफ़ी नींबू लगे हुए हैं। इसमें नींबू काफ़ी बड़े लगते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखें नीचे रोज़ाना कच्चे ही गिर जाते हैं। तो अभी हम सालन बना रहे हैं। ये अरवी है, अरवी इसको कचालू भी कहते हैं। इसको हमने बॉईल किया है, अभी हम इसको छील रहे हैं। इसका छिलका उतार के इसको काटेंगे और इसका सालन बनाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसे काटा है छील के। कई लोग इसको उबाले बगैर भी बनाते हैं। इसका सालन पर यह है कि हम लोग इसको इस तरह से बॉईल करके और फिर इसको छील के तब इसका सालन बनाते हैं। और ये साथ में आज हम कद्दू का हलवा भी बना रहे हैं। ये कद्दू है और इसको हमने कद्दूकश करेंगे सारे को करके, फिर इसका हलवा बनाएंगे। तो आज इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इस तरह से इसको कद्दूकश कर रहे हैं हम। इस तरह से सारा किया, पहले भी इसी तरह से किया और इसी तरह अभी बाकी भी ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी इसी तरह करेंगे। सर्दियों में बस ये होता है कि किसी ना किसी चीज़ का हलवा हो, गरम गरम चीज़ें सर्दियों में सब लोगों का खाने को दिल चाहता है। तो गाजर का हलवा भी सर्दियों में लोग बनाते हैं, अभी ये हम कद्दू का हलवा बना रहे हैं। और भी बहुत सारी तरह के हलवे लोग बनाते हैं। सारा कद्दू हमने इस तरह से इसको कद्दूकश कर लिया है। हमने हाथ से किया है, बाकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। अभी इसको इस तरह से बॉईल होने रख दिया था, अभी करीबन 10-15 मिनट हो गए इसको रखा हुआ है, तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी भाप काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। ये देखें इस तरह से ये अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अभी ये इसमें खोपरा डाला है इस तरह से बारीक चॉप करके। भाप बहुत ज़्यादा है क्योंकि आग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है नीचे चूल्हे के नीचे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा भाप नज़र आ रही है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी साथ इसमें चीनी डाल देंगे, पहले कुछ भी नहीं डाला था, अभी चीनी भी डाल दी है इसमें और ये इलायचियाँ डाल रहे हैं।
चीनी डाली है इसमें, इलायची डाली है और खोपरा वगैरह डाला है। अभी ये देखें, ये इस तरह से पक गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें इसका कितना अच्छा कलर हो गया है और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत इजी है इसको बनाना। किधर से आई हो? ओए किधर से आई हो? मस्जिद से। क्या करने गई थी? सफाई करने। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। पढ़ लिए? सर्दी नहीं लग रही? नहीं। नहीं। आज तो बहुत सर्दी हो गई है। आपने जूतियाँ, आपने चप्पल भी उल्टे पहने हुए हैं। पहनो ना तो। सीधे करके पहनो ना। क्यों? उल्टे पहनने होते हैं ना, उल्टे नहीं पहनते ना, सीधे पहनते हैं। नहीं। शाम हो गई है तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं अंगीठी में कोयले डालने लगी हूँ। ये मैंने कोयले डाले हैं और दो तीन कोयले मैं इसमें गरम करके डाल रही हूँ, तो सारे कोयले फिर गरम हो जाएंगे। अभी क्योंकि कोई भी ये नहीं सेक रहा है हाथ वगैरह इस पे, तो मैं तब तक इस पे दूध रख देती हूँ। तब तक मैं दूसरे काम करूँगी तो ये दूध गर्म हो जाएगा। अभी मगरिब से पहले का वक्त है। ये देखें कितनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बादल भी काफ़ी ज़्यादा है। बारिश, ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हवा भी चल रही है। आसमान पर काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दिया करें। ये देखें, ये मैजिक दिखा रही है। छोटे होते हुए शायद किसी ने ये किया हो। आज का व्लॉग बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।